हाय गाइस, मैं हूँ शोएब आलम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल गाइड मास्टर। तो आज मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। आप मेरे पीछे जो मॉन्यूमेंट्स हैं देख के समझ जाएंगे कि मैं आगरा में हूँ और ताजमहल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो मैं हूँ सेलिब्रिटी पॉइंट्स पे और जितने भी सारे सेलिब्रिटीज या पॉलिटिकल यहाँ आते हैं सभी लोग यहाँ बैठ करके अपनी फ़ोटोज़ लेते हैं। और अभी भी एक सेलिब्रिटी आए हैं जो कमांडो मूवी में है और लोग उनके साथ में फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं ताजमहल। सो गाइज, आगरा आने के लिए क्या आपका एक्सपेंस होगा और आपको कहाँ पे स्टे करना है या आपको कितना खर्चा लगेगा, ये सब मैं बताऊंगा पूरा इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ट्रैवल गाइड मास्टर। सुबह के 8 बजे हैं और मैं इस समय रेडी हूँ आगरा को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं सुबह इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप एक दिन के अंदर पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चीज़ें ज़्यादा दूरी पर नहीं है, सारे मॉन्यूमेंट्स 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और मैंने यहाँ पर एक होम स्टे बुक किया जो ताऊ होम स्टे के नाम से है और ये फतेहाबाद रोड पर है। आप इजीली यहाँ पर अपनी बुकिंग करा सकते हैं और यहाँ से जो ताजमहल का ईस्ट गेट है वो बहुत ही नज़दीक में है, 1.5 किलोमीटर है, आपको ईजिली भी आप जा सकते हो। आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आगरा। ताजमहल पार्किंग के अंदर भी छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं जहाँ से आप हैंडीक्राफ्ट का सामान खरीद सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे ताजमहल्स हैं और बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट का सामान है। ताजमहल पार्किंग से ताजमहल जाने के लिए 10 रुपये लगते हैं। ये केवल इलेक्ट्रिक वैन चलती है, इनमें आप बैठ सकते हैं और ताजमहल जा सकते हैं। ये देखिए, यह ताजमहल की फर्स्ट पिक ताजमहल की जो ली गई थी वो ये ब्लैक एंड वाइट पिक थी और ये ली गई थी 1862 में। ताजमहल के जो आप सामने देख रहे हैं कि जो काफ़ी ट्रीज हैं वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे जिससे ताजमहल का व्यू नहीं आ पाता था। और ये आप पिक देख सकते हैं कि सारी पिक्स यहाँ पे लगाई हुई हैं कि किस ईयर में ताजमहल का जो व्यू था वो कैसा था। ये 1884 में ताजमहल देखने ब्रिटेन की महारानी आई, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप ताजमहल में एंट्री करते हैं तो आपको एक सारी पिक्स यहाँ लगाई हुई हैं कि ताजमहल की जो लुक है वो एवरी ईयर किस तरीके से आई है। और अभी मैं अंदर चलकर आपको दिखाता हूँ कि ताजमहल का जो लुक है वो किस तरीके का है। गाइज, ये है पिक्चर पॉइंट। आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे जो भी आप ताजमहल की पिक्चर्स देखते हैं वो इन्हीं जगह पे खड़े होकर क्लिक की जाती हैं और काफ़ी लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, अगर आप आना चाहते हैं और आप पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो इसी जगह पे आकर के अपनी पिक्चर ले सकते हैं।
ताजमहल की अंदर एंट्री करने के लिए 200 की आपको टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट काउंटर से देखिए। इधर अंदर जाने के लिए 200 वाले टिकट लेना पड़ेगा। ये है पूरा फुल ताजमहल। अच्छा। हाय गाइस, तो मैं आ चुका हूँ ताजमहल के अंदर। अगर आपने लिए 50 रुपीज़ की टिकट तो आप ताजमहल का केवल यही आउटर पार्ट है इसको एंजॉय कर पाएंगे, और अगर आप 250 की टिकट लेते हैं तो आप ताजमहल के अंदर आ सकते हैं, ताजमहल को करीब से देख सकते हैं। मेरे जूते आप देख रहे होंगे, इसको कवर किया गया है जिससे कि यहाँ पर गंदगी ना हो सके। तो अगर आपको ये लेने हो तो आप बाहर गेट से ही ले सकते हैं, 10 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ताजमहल अगर आप आ रहे हैं तो टाइमिंग प्रेफर करूँगा कि आप मॉर्निंग में 6 बजे तक आ जाएं, क्योंकि इस समय ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और अगर विंटर में आ रहे हैं तो किसी भी टाइम आ जाइए। अगर समर्स में आप आ रहे हैं तो आप प्रेफर करें कि आप 6 बजे तक यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि सनराइज़ होने के 30 मिनट बाद ताजमहल ओपन हो जाता है और सनसेट पे 30 मिनट बिफोर क्लोज हो जाता है। ताजमहल फ्राइडे क्लोज रहता है क्योंकि ताजमहल के अंदर ये मॉस्क है और यहाँ फ्राइडे प्रेयर होती है, इसलिए ताजमहल फ्राइडे क्लोज रहता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं आने के लिए तो फ्राइडे अवॉइड करना पड़ेगा और अदर डेज़ में आपको आना पड़ेगा। तो गाइस, ताजमहल को बनाने में पूरे 22 साल लगे। इसको 1653 में बना करके तैयार किया गया। लगभग 20,000 लेबर ने इसमें काम किया। पहले जो फाउंटेन के पास पेड़ हुआ करते थे बहुत बड़े हुआ करते थे, जिससे कि ताजमहल का पूरा व्यू आपको नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब इन पेड़ों को काट करके बहुत छोटा कर दिया गया है, जिससे कि आप ताजमहल का पूरा व्यू देख सकते हैं। और ये फाउंटेन भी पहले चालू हुआ करते थे और 400 साल पहले भी जैसे अब चलते हैं उस तरीके से चला करते थे। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ जो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि पीछे यमुना बह रही है, और ताजमहल के अंदर जो है कैमरा या किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं अपना जो कैमरा है वो अंदर नहीं ले आ सकता और मैं आपको बाहर की फुटेज दिखा पाऊँगा। The chance to run, leave behind the said and done, figure.